हेलो गाइस, आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रॉयल इनफील्ड की 650 सीसी की क्रूजर बाइक के बारे में। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, मैं आपको इस वीडियो में इस बाइक के सारे डिटेल्स को बताने की कोशिश करूंगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हालांकि आप देख सकते हैं कि इसकी जो टेस्टिंग की जा रही है वो इंडिया में ही की जा रही है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इस बाइक की लॉन्चिंग को लेकर। तो इस बाइक की लॉन्चिंग को लेकर आपको थोड़ा इंतजार करना होगा, थोड़ा क्या पूरे एक साल इंतजार करना होगा, क्योंकि ये बाइक नेक्स्ट ईयर 2021 में दिवाली के टाइम लॉन्च होने वाली है। तो चलिए अब हम एक एक करके इसके सारे फीचर्स के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं, इसका जो इंजन है जो आप GT और इंटरसेप्टर 650 में देखते हैं, तो वही सेम इंजन आपको इस बाइक में भी देखने को मिले। रॉयल इनफील्ड 650 सीसी क्रूजर में 648 सीसी का पेट्रोल ट्विन इंजन यूज किया, जिसमें 2 सिलेंडर लिक्विड कूल SOHC FI इंजन देखने को मिलेगा, जो 7250 RPM पे 47 BHP का पावर जनरेट करती है और 5250 RPM पे 52 Nm का टॉर्क जनरेट करती है। और इस बाइक में 6 स्पीड गियर बॉक्स भी आपको देखने को मिल जाता है। रॉयल इनफील्ड 650 सीसी क्रूजर में आपको 2 एग्जॉस्ट सिस्टम भी देखने को मिल जाता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं रॉयल इनफील्ड 650 सीसी क्रूजर के सस्पेंशन की। तो आपको इस बाइक में फ्रंट में 41mm का USD सस्पेंशन देखने को मिल जाएगा, जो कि अभी तक के रॉयल इनफील्ड के किसी भी बाइक में नहीं है। और रियर में आपको ट्विन शॉक ऑब्जर्वर मिल जाएगा। ब्रेक्स की बात करें तो इस बाइक में आपको डुअल चैनल ABS मिलने वाला है। फ्रंट में आपको 320mm का डिस्प्लेट देखने को मिल जाएगा, रियर में 240mm का डिस्प्लेट देखने को मिल जाएगा। तो चलिए अब जान लेते हैं रॉयल इनफील्ड 650 सीसी क्रूजर में सीट हाइट क्या होने वाला है। जैसा कि आप जानते होंगे इंटरसेप्टर का सीट हाइट 802mm होना है, तो ये क्रूजर बाइक है तो उससे थोड़ी ये छोटी होने वाली है। तो आपको इसमें 750mm से लेकर 780mm तक का सीट हाइट देखने को मिल जाएगा। ये बाइक ट्रेडिशनल जो क्रूजर बाइक होते हैं उस टाइप का बनाया गया। तो आपको इसका जो हैंडल बार है वो वाइड में देखने को मिलेगा, पीछे की तरफ खींचा हुआ टाइप का लगेगा। वाइड में काफ़ी यूनिक होने वाला, काफ़ी अच्छे तरीके से बनाया गया है। और फुटपैक्स आपको जो राइडर के फुटपैक्स होंगे वो काफ़ी फॉरवर्ड की तरफ, मतलब आगे की साइड में आपको होंगे, जिससे आपको क्रूजर फील हो पाए। लाइटिंग की बात करें तो 650 सीसी क्रूजर में आपको फ्रंट और रियर दोनों में LED देखने को मिल जाएंगे। और बात करें इंडिकेटर की, तो इंडिकेटर का जो अभी फीचर्स होने वाला है वो ज़्यादा न्यूज अपडेट नहीं मिल पाया है। तो जैसे भी अपडेट मिलता है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। तो फ्रंट और रियर दोनों में आपको LED मिलने वाला है इस बाइक में। व्हील्स की बात करें तो आपको इसके फ्रंट और रियर दोनों में अलॉय व्हील देखने को मिलेंगे। फ्रंट में 18 इंचेस के अलॉय व्हील देखने को मिलेंगे, रियर में 17 इंचेस के अलॉय व्हील देखने को मिलेंगे। और जो दोनों टायर होने वाले काफ़ी फेट होने वाले, टायर के साइज़ का भी कुछ कहा नहीं जा सकता है, और दोनों टायर ट्यूबलेस होने वाले हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं इसके कंसोल में आपको क्या क्या कुछ इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है। आपको इसके कंसोल में मोबाइल फोन कनेक्टिविटी, इकोनॉमिक राइडिंग इंडिकेटर, स्पीडोमीटर, टेकोमीटर, ट्रिप मीटर, ओडोमीटर, ABS लाइट इंडिकेटर, फ्यूल गैस सर्विस रिमाइंडर, लो फ्यूल इंडिकेटर, लो बैटरी इंडिकेटर, ये सारा चीज़ आपको इसके कंसोल में देखने को मिल जाएगा। कंफर्ट फीचर में आपको सेल्फ स्टार्ट, इंजन क्यूल स्विच, पिलियन ग्रैब रेल, पिलियन फुटरेस्ट और मोबाइल चार्जिंग सॉकेट भी देखने को मिल जाएगा। माइलेज की बात करें तो आपको 25 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज मिल जाएगा। टॉप स्पीड में आपको 170 किलोमीटर पर आवर का टॉप स्पीड मिलने वाला है। बात करें इस बाइक के एक्सोरूम प्राइस की, तो इस बाइक का एक्सोरूम प्राइस 3.5 लाख के आसपास होने वाला है। अगर इस बाइक के कंपटीटर की बात की जाए तो कावासाकी वल्कन 650, हार्ली डेविडसन स्ट्रीट 750 होने वाला है। तो ये थे रॉयल इनफील्ड 650 क्रूजर के कुछ इन्फॉर्मेशन। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राइड विद बाइक।